हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का मुकाबला राजस्थान और दिल्ली के बीच में है और दिल्ली ने बैटिंग पहले इनिंग में करके थे हुए एक 221 रन का टारगेट दिया है राजस्थान को। राजस्थान की इस वक्त बैटिंग शुरुआत हो गई है और इन्होंने पहली गेंद पे चार रन से खाता खोला है। इस वक्त जायसवाल खेल रहे हैं, पहली गेंद पे चार रन मार दिया, जबरदस्त जायसवाल, गजब। बटलर खेल रहे हैं, अभी बटलर ने भी कोई गेंद नहीं खेली, पहली गेंद पे ही जो है जायसवाल ने फोर रन मार दिया, गजब का। ओहो, पहली गेंद भाई, स्कोर तो बहुत ही कोई खास स्कोर तो जो है 221 रन का टारगेट, 221 रन बना चुके, 222 रन का टारगेट दिया गया है। इनको संभल के खेलना होगा, विकेट भी हाथ में रखना होगा और जबरदस्त फिर उठा दिया सिक्स के लिए। अब ये देखते हैं क्या ये आउट हो सकते हैं, आउट हो गए। अब इन्होंने जो है तेजी पना में एक विकेट खो दिया, जबरदस्त, क्या बताएं। जायसवाल को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी और एक विकेट खो के चार रन। अब पवेलियन जा रहे वापस, इनको इतनी जल्दी क्या थी भाई, इनको जीतने होना का तो थोड़ा सा धैर्य रखते और आराम से खेलते। बताओ इतनी जल्दी तेज और ऊपर ऊपर बाउंस गेंद को इन्होंने ऊपर उछाल दिया, सीधे वो ऊपर आई और नीचे की तरफ जो है कोई तेजी पना नहीं, वहीं पे ही आउट हो गए, सिक्स गेंद उड़ गई। ओहो, जबरदस्त, इनको संभल के खेलना होगा और एक विकेट चार रन बना के दूसरी गेंद पे ही आउट हो गए जायसवाल, कैच आउट। ओहो, जबरदस्त मायूसी, पूरी टीम में मायूसी। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे टीम जीतेगी, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। इनको संभाल के खेलो भाई, जैसे हैं राजस्थान की टीम दिल्ली उसे भी जो है तेज है। अब इनको जो है दिल्ली को कैसे हारेंगे, कैसे जीतेंगे, ये दोनों समझना होगा। हराएंगे कैसे भाई, 221 का टारगेट है, 221 रन कम नहीं होते हैं भाई। इनको जो है आराम से जो है धीरे धीरे मारना तो इनको भी चाहिए। फोर रन और एक रन दो रन लेते रहे और बीच बीच में चार रन भी इनको ठोकने होंगे, तभी जो है ये जीत भी सकते हैं। नहीं तो फिर तो अगर ये स्लो खेलेंगे तो मुश्किल होगी जीतना भी। यूट्यूब ने जो है हमारे कोई भी ऐसी कोई वीडियो जो है अभी तक जो है हमने इतनी रिक्वेस्ट कर डाली है कि हमारे पे कोई जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हमें चाहिए ये कम से कम जितने भी वीडियो बने, 6 महीने करीब से ऊपर हो गए हैं, एक भी वीडियो में हमारे 1000 व्यू नहीं हुए हैं अभी तक के, सब 200-250 पे लटके हुए हैं वीडियो। हम चाहते हैं यूट्यूबर से हमारी विनम्र निवेदन है कम से कम 1000 तो कर ही दे। आज जो है रात सुबह उठे तो अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, इन्होंने दूसरी गेंद खेल दिया। ओ हो, नो बॉल, इतनी वाइट बॉल पे इतनी जबरदस्त वाइट की जो है अभी ये फोर हो जाती है, पकड़ भी ना दो भाई, पकड़ ली गई है, विकेट कीपर ने पकड़ लिया दौड़ते हुए, चलिए बच गए, नहीं तो चार रन ये भी हो जाता नो बॉल वाइट बॉल पर भी। हाँ, यूट्यूबर जो है हमें थोड़ा सा वो बढ़ाए, हमें यूट्यूब में छोटे जगह हमें दे दे भाई। हाँ, हम बड़े भाई है, यूट्यूब तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को जो है नीचे ला सकते हैं, नीचे से ऊपर बढ़ा सकते हैं। हम तो बहुत जमीन वाले यूट्यूबर हैं, हमें तो अभी तो सीखा भी नहीं है कुछ, बाकी बढ़ा यूट्यूब चाहे तो हमें बढ़ा सकता है। एक गेंद फिर खेल दिया वहाँ पे वाइट का, फिर इशारा 6 रन पे खेल दिया, एक रन एक विकेट भी हो गया, 2 गेंद पे 6 रन का स्कोर हो गया। फिर भी हम यूट्यूबर से विनम्र निवेदन करते हैं कि कम से कम एक जो है के पहुंचा दे जल्दी, और सुबह जो आज डालू वीडियो सुबह मुझे आंखों से जो है 1000 दिखाई दे तो मैं सोचूंगा क्या चमत्कार है। यूट्यूब ने मेरी बात को जो है बहुत अच्छे से लिया है और बढ़ाया है, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कम से कम मेरे मोनेटाइज जरूर कर दें यूट्यूबर मेरा, क्योंकि वाचिंग टाइम हमारा जो है पता नहीं, अभी तो समझ नहीं पाते हैं कि कहीं कहीं तो उसमें दिखाता है कि वो शॉर्ट वीडियो के लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, उसका टारगेट 4000 का है। तो साधना श्रीवास्तव ब्लॉग में तो अब सोचता हूँ कि कैसे पूरा हो जाए कि नहीं, इसलिए तो व्यू की बहुत वाचिंग टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है। और कम से कम वीडियो को हमारे जो है लाइक करके और थोड़ा सा दूर भेजे और जिससे कि मेरे पूरा हो जाए वाचिंग टाइमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। फिर अगले दिन मैच के लिए तैयार, अगली गेंद खेल दिया जबरदस्त, वो तो पूरा रिप्ले दिखा रहे हैं, वहीं पर ही 4 रन बने थे, ये देखिए पुराना। फिर अगली गेंद खेल दिया, अगली गेंद खेल रहे, तीसरा रन, तीन चौथी गेंद हो गई है, अब कोई रन नहीं, 2 गेंद के पे कोई रन नहीं मिले,
और वाइट, दो तो वाइट ही चले गए, एक चार रन बने हैं। इनको जो है बहुत संभल के खेलना होगा और तेज भी खेलना होगा, नहीं तो ये जो है बड़ी जल्दी जो है जल्दी विकेट खो के जो है 100-150 रन बना के आउट हो जाएंगे टोटल। इनको जीतने के बजाय और जो है हारने में ज़्यादा इनको वो हो जाएगा। अगर ये हर ओवर में इनको कम से कम 10 रन तो लेने ही लेने हैं, 9-10 रन बनाने ही बनाने होंगे, नहीं तो ये तो अभी तो 6 रन पे ही 6 रन बने हैं करीब, और भी जो है 1-1 रन पे एक चौका मार के इन्होंने संतोष कर लिया, बाकी उससे काम नहीं बनने वाला भाई। 222 रन का टारगेट है, इनको संभाल के खेलना होगा, ज़बरदस्त खेलना होगा और छक्का चौके से भी इनको जो है बढ़ाना होगा। हम तो एक चौके मार के जो है कुछ जो है बनने वाला नहीं है भाई, 6 रन बनाए हैं अभी एक ओवर में हैं, और 4 गेंद हो गई है अभी, एक ओवर नहीं हुआ, 4 गेंद हुए, 6 रन फिर भी जो है। अब सैमसन के पास स्ट्राइक है, कोई रन नहीं, 2 गेंद खेल चुके हैं, फिर इन्होंने खेल दिया वहाँ पर विकेट खड़ा हुआ चौथी बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर फील्डर खड़ा हुआ, वहाँ पे 1 रन मिलेंगे, कुल 7 रन हो गए, 5 ओवर 5 बॉल पे 7 रन। सैमसन अभी 3 गेंद पे 1 रन बना चुके हैं, आउट हो गए, 1-4 रन मरा के वो पवेलियन चले गए हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीतेंगे कि हारेंगे, अभी तो शुरुआत है। चलो एक विकेट गिर गया, फिर भी जो है अभी इनको रन रेट को तो संभल के खेलेंगे, हर रन यार है वो हर एक ओवर में कम से कम जो है 9-10 का रन टारगेट लेके चलें, तब तो ये तो जीत पाएंगे, नहीं तो फिर तो ये स्लो खेलेंगे तो उनको जो है विकेट भी हाथ से चले जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वहाँ पे फील्डर मौजूद, तेज गेंद निकली, वहाँ पे फील्डर होने की वजह से एक ओवर ख़त्म हो गए, 7 रन, कोई रन नहीं इस बॉल पर। फिर तैयार हो रही है अगली बॉल खेलने के लिए सैमसंग, जो है क्या करते हैं, इनको बहुत भरोसा तो है, मारेंगे तेज तो, बाकी मारने पे विकेट भी जल्दी गिर जाते हैं ना, तो समझना संभल के खेलना होगा। इसलिए जो है हम चाहेंगे कि जो है संभल के खेले और तेज भी खेले, हर एक 2 गेंद मान ले, 3 गेंद एक एक रन ले ले तो एक पे चौका जो है तीसरे चौथी पर लगा दें, फिर दो रन बना ले, एक एक रन बना ले तो जो है 10 का रन रेट हो जाएगा। तो ये इसी तरह करते रहेंगे 10 ओवर तक, तो और 10 ओवर में इनको जो है 100-125 के रन रेट बिना विकेट खोए अगर मारेंगे तो जो है टारगेट आसानी से ये हासिल कर सकते हैं, यही देख के चलना होगा इनको, नहीं तो फिर तो ये इनको सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दिल्ली जो है उसे भी 221 रन बना के 222 रन का टारगेट दिया, कोई इतने आसानी से जीतने वाले नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है फॉर्म में है भाई, उनके बैटिंग और बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी है। फिर देखते हैं अपनी क्या कमाल करते हैं, है 7 रन तो हो गए एक ओवर में, अब ये 7 नहीं, इनको 10-11-12 रन करना होगा भाई। ज़बरदस्त खेलिए भाई राजस्थान, अब देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की क्या पोजीशन है आपकी, जो है सैमसन खेल रहे हैं 3 गेंद बना के 1 रन, और बटलर खेल रहे हैं 1 रन बना के 0 रन बनाया है उन्होंने एक गेंद खेल के, को 1 रन फिर मिल जाएंगे, 1 ही रन मिलेंगे, 1.1 ओवर में 7 गेंद पे 8 रन, अब 7 गेंद पे 8 रन इनको मिल गए हैं। ईशांत जो है बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, पहली ओवर इनकी शुरुआत हो गई, ईशांत का टारगेट 222 रन का टारगेट है, ज़बरदस्त है। ईशांत शर्मा तो उसे फास्टर है, अब देखते हैं फास्टर में ईशांत शर्मा की तो बहुत ज़बरदस्त तो काफ़ी ऊंची छलांग मारते हैं ये, तो उनकी बाउंस ज़बरदस्त जाती है, इतने लंबे हाइट के हैं ये, तो अब देखते हैं क्या कमाल करते हैं इनकी, तो सीधे अगर छू गई सीधे तो सीधे जो है कैचे आउट होते ऊपर की तरफ, नहीं तो सिक्स जाएगी, ज़बरदस्त इनके उछाल है गेंद की। अब देखते हैं ईशांत क्या करते हैं, 1 गेंद 1 रन फिर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार राजस्थान, अब देखते हैं राजस्थान क्या करती है, 1 रन मिलते हैं, चौका मिलते हैं, छक्के मिलते हैं, जो है खेल दिया वहीं पर, 1 रन भी नहीं मिलेंगे, सीधे फील्डर के पास, स्लो गेंद को जो है स्लो गेंद थी और आसानी से जो है फील्डर के पास पहुँच गई, कोई रन नहीं। आसानी से हमें लग रहा है कि क्या खेल रहे हैं भाई, तेजी पना है ही नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि जीत पाएगी, क्योंकि जो है राजस्थान रॉयल पता नहीं किस कभी दिल्ली से जीती है कि नहीं, तो हमें देखना होगा और पीछे के मैच में। फिर अगली गेंद खेलने के लिए अभी 8 गेंद 8 रन, सैमसंग जो है 4 गेंद बना के 2 रन, और बटलर खेल रहे हैं 2 गेंद पे 0 रन, अभी उनका खाता भी नहीं खुला, क्या डर डर के खेल रहे हैं भाई, थोड़ा तेजी पना करो भाई हैं। फिर अगले थ्रो फेंक दिया, वहाँ पे कोई रन नहीं, बताइए क्या शुरुआत ही जो है केवल अच्छी हुई थी, वो 4 रन बना के जो है फिर जो है वापस आ गए और आउट हो गए कैच देकर, उतनी बाउंस पे सीधे हाथ में, अब वो खुशी की लहर हो गई उनकी,
दिल्ली की जबरदस्त दिल्ली, ओहो फॉर्म में चल रही है इस वक्त दिल्ली, 9 गेंद पे 8 रन, ओहो बटलर की स्ट्राइक है इस वक्त 0 रन पे हैं, कोई खाता नहीं खुला, 3 गेंद खेल भी चुके हैं और टारगेट अभी तक ही सामने जो है 3 गेंद खेली, 2 डॉट है, 1 रन दिया के और बताओ, अब चौथी गेंद पे भी जो है कोई खाता, चौथी गेंद भी खेल चुके, डॉट उनको मिल गई, कोई रन नहीं मिला, वाह रे ईशान क्या गजब के बॉलिंग है, 4 गेंद पे 1 रन दिया है, अभी लग रहा है कि ये 2 गेंद और फेंकेंगे तो वो भी जो है बिना रन के ही खा है, 1 ही रन मिलेगा, क्या ये 2020 मैच हो रहा है कि टेस्ट मैच हो रहा है भाई, आप 20 मैच खेल रहे हैं ना तो तेजी पना लाओ भाई, विकेट भी देखो और आपको जो है तेजी खेलो, नहीं तो जो है 20 ओवर ही में सब कुछ पता चल जाएगा भाई, हाँ तेज पना लाइए इसमें ज़बरदस्त, फिर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, 5वीं गेंद डाल रहे हैं, इसमें खेल दिया वहाँ पर देखो आउट का इशारा कर रहे हैं पीछे की तरफ, बाकी आउट नहीं है, आउट का भी दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है भाई, एनालिसिस में जो है जा रहे हैं भाई वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ज़बरदस्त बैटिंग चल रही है, ज़बरदस्त बैलिंग बहुत कसी कसी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान को, और जो है ज़बरदस्त इनको समझना होगा इस बाल को कि जो है रहा है दिल्ली को कैसे खेलना है, आगे टारगेट जो है 222 का है, इसी को देख के चलना होगा, इस वक्त जो है 1 गेंद और बाकी है ईशांत की, 1 रन दिए हैं अभी तक पूरे ओवर में, 5 गेंद पे 1 रन मिला है, अब 6वें गेंद पे देखे क्या कमाल दिखाते हैं दिल्ली वाले, राजस्थान वाले, राजस्थान ने फिर खेल दिया, 1 ही रन मिले, बाल तो बहुत ज़बरदस्त है, कोई रन नहीं दे रहे हैं पूरा, 1 रन मिला सिर्फ, ओहो 9 रन बने हैं 2 ओवर में, बताइए 12 गेंद पे 9 रन, ये क्या जीतेंगे, हमें नहीं लग रहा है कहीं अच्छे से है, गेंद भी आ रही है ख़तरनाक गेंद, क्या करें विकेट गिर जाएंगे, इसलिए संभाल के खेलो और विकेट बचाए रखना भाई, 1 विकेट खो के जो है दबाव में बहुत है इस वक्त जो है राजस्थान रॉयल, क्योंकि जो है 222 रन कोई कम नहीं होते हैं, रन कम होते तो थोड़ा उड़ाने में मज़ा आता है, कि अब ये 222 का टारगेट जो है काफ़ी होता है भाई, हमारे ख्याल से रन रेट भी जो है 10 से कम नहीं होगा ये 222, हाँ हाँ 10 से ऊपर ही है ये शायद, हमारे ख्याल से अब समझना होगा, उसमें जाकर देखना होगा, अगली गेंद खेलने के लिए तैयार राजस्थान, दिल्ली की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, वहाँ पे डांस हो रहा है, वो चिल्ड्रेन कौन होती है जो डांस वगैरह करती है ये उनको नहीं मालूम है, हम तो जो है ओहो गजब वाइट, ओहो वाइट का इशारा हो गया, 10 रन हो गए, कोई बाल नहीं, वाइट खलील इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर उनका पहला पड़ा है खलील का, इस वक्त खलील जो है बॉलिंग कर रहे हैं, खलील ने जो है पहली गेंद बाली डोबी ओवर वाइट, 1 रन बिना खाता बिना बाल किए ही 1 रन बन गए भाई वाइट से, फिर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार दिल्ली राजस्थान, दिल्ली की इस वक्त जो है बॉलिंग चल रही है, बैटिंग जो है दिल्ली खेल चुकी है, दिल्ली ने जो है 222 रन का टारगेट दिया है खलील का, वाइट पहली गेंद पे वाइट, अब देखें दूसरी गेंद पे क्या कमाल करते हैं, इन्होंने खेल दिया सीधे पैर पे बच गए, उन्होंने खेल दिया सीधे स्ट्रेट पे, 1 रन मिल जाएंगे, 11 रन का स्कोर हो गया, 1 विकेट खो के 2.1 ओवर, सैमसंग खेल रहे हैं 4 गेंद पे 2 रन और बटलर खेल रहे हैं 2 गेंद पे 2 रन, 7 गेंद पे 2 रन, बताओ 7 गेंद खेले हैं 2 रन बनाए हैं क्या भाई, इस वक्त सैमसंग के पास भी स्ट्राइक आ गई है और 4 गेंद पे 2 रन बनाने वाले हैं क्या बहें, अब देखते हैं ये अब की तेज खेले नहीं तो फिर इनके पास जो है दिक्कतें सामना करना पड़ेगा भाई, बचा के तो खेले और बताइए 2 तीसरा ओवर चल रहा है, तीसरे ओवर में जो है अभी 11 रन बने हैं, हैं रिंकी पॉइंटिंग 61 बना रहे हैं और कुमार संकारा जो है 39 पुराने क्या दिखा रहे पुराना है वाला, अभी अगली गेंद खेल दिया उछाल दिया 6 रन के लिए, ओ जबरदस्त 6, ओहो 6 अब दम में आया है सैमसंग ने उठा दिया 6, सत्य पवेलियन में खुशी की लहर, वो जाम से डांस हो रहा है, जबरदस्त डांस शुरू हो गया भाई पवेलियन में, लहर खुशी की लहर, पहला छक्का जबरदस्त, ओहो गजब का शॉट, मजा आ गया भाई देखने वालों को, ये बस आँख से पूरा देख के मारा है, ये समझना होगा इनको है, 81 मीटर लंबा शॉट गया ये, ओहो हाँ क्या गजब के शॉट है, आज तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है भाई, इनको संभल के खेल तो रहे भाई, अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने आसानी से हारने वाले हैं, 2.2 ओवर हो गए मतलब 14 गेंद पे 17 रन सेम है, इतना गजब का 6
अभी देखते हैं अगली गेंद पे ये क्या कमाल दिखाते हैं। और इसी तरह से संभाल के खेलो भैया, छक्का एक्का तो मारे, बाकी ये ऊपर की गेंद है, अगर स्लो हो गई तो सीधे हाथ में आएगी, कैच होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब 18 रन हो गए, सीधे बाउंड्री के पास, बाकी वहाँ पे बाउंड्री पर सीधे फील्डर लगा हुआ था, एक ही रन मिलेंगे, सीधे हाथ में आ गई और विकेट के पास गेंद पहुंचा दिया आसानी से। 2.3 ओवर में 18 रन। सैमसंग खेल रहे हैं 9 गेंद और बटलर खेल रहे हैं 2 रन पे। सैमसंग 6 गेंद पे 9 रन मार दिया, उन्होंने एक सिक्स भी मारा है। बटलर तो 7 गेंद पे अभी कुछ कमाल नहीं दिखाए हैं, 2 ही रन बना पाए हैं। अब देखते हैं इनके पास स्ट्राइक आ गई है, अभी देखो बटलर क्या करते हैं। अगली गेंद बटलर के लिए फेल दिया कस के, देखता हूँ मिला 4 रन, गजब की 4 रन। ओहो, अब बटलर ने कमाल अपना भी दिखा दिया भाई, हाथ खोल दिया कस के 4 रन के लिए, गजब। ओहो 22 रन, स्ट्राइक आ गई, बटलर के पास स्ट्राइक है और 4 रन खेल दिया जबरदस्त। ओहो ये नीचे से खेला है, वहाँ पे फील्डर बहुत तेज़ी में थे, पकड़ नहीं पाए, उनके हाथ से छूटते हुए चली गई, बहुत छूटी नहीं, कैच नहीं, उन्होंने ड्राइव तो मारा था कस के, बाकी वो ड्राइव दूरी रह गई और वहाँ ऊपर उछलती हुई चली गई बाउंड्री पार, गजब के। 60 तो ऐसे ही होनी चाहिए भाई, कि भी लगे तो भन्ने से जो है सीधे जो है बाउंड्री के हाथ किनारा पकड़ लें, जबरदस्त। इस बार 2.4 ओवर 22 रन, इसमें मतलब 6 × 12 = 4 16 गेंद पे 22 रन अच्छा है। इस वक्त 1 रन मिल जाएंगे, धीरे सी गेंद थी वहीं पे पुश कर दिया। इस वक्त बटलर पहुंच गए 8 रन पे। अब इस वक्त सैमसंग के पास स्ट्राइक आ रही है धीरे से, अब देखते हैं सैमसंग क्या करते हैं, छक्का मारते हैं चौका मारते हैं, बाकी अगर संभल के खेलेंगे तो ये मैच भी जीत सकते हैं, कोई खास नहीं है, 222 रन कोई ज़्यादा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। अब इनको संभल के खेले तो टारगेट देख के खेले कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो जीत भी सकते हैं, और ये इनको संभाल के ही खेलना होगा है। डिफेंस जो है आसानी से आराम आराम से करें और विकेट बचा के करें, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी और इनको जो है सामना करने में बड़ी दिक्कतें आ जाएगी। विकेट तो बचा के रखें, नहीं तो दबाव में आ जाएगी तुरंत। अभी इनको जो है 10 ओवर जो है विकेट बचा के रखें, एक भी विकेट एक ही विकेट पर बचा के रखें, 10 ओवर खेलना होगा और 100 रन करीब करीब बनाने होंगे इनको। हाँ जबरदस्त बैटिंग चल रही है इस वक्त जो है, और ऐसे ही जो है बीच बीच में छक्का चौका लगाते रहें तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर जो है अगर एक भी विकेट गिर गया तो फिर तो दबाव में आ जाएगी राजस्थान। राजस्थान अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, आईपीएल का मैच जो है जबरदस्त इस वक्त जो है जबरदस्त चल रहा है, इनका रन रेट जो है काफ़ी आगे है, तेजी पना में है, काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, कल लखनऊ की टीम है, इन्होंने 4 मार दिया जबरदस्त, 23 से सीधे जो है 27 रन का स्कोर हो गया 3 ओवर में, 6 × 18 गेंद पे 27 रन जबरदस्त। ओहो अब जो है हाथ खोल दिया सैमसंग ने भी, गजब। सैमसंग ने दो कितने छक्के चौके से अब सुनाई दे रहा है, बेचारे जो है एक छक्का मार के और बाउंस पे ही कैच थमा दिए, वहाँ पर हम तो सोचे थे कि अब जो है गिर जाएगा, बाकी अभी भी अब संभल के खेले हैं, अब जो है 27 रन बना लिए हैं 3 ओवर में, तो 6 × 18 गेंद पे 27 रन, गजब। अब तो ठीक समझ में आ रहा है, स्कोर हो गया अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं। इनको 10 ओवर के करीब करीब लाना होगा बिना विकेट खोए, अब तब जो है संभल पाएगी ये राजस्थान के राजस्थान रॉयल। और अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, गजब की बैटिंग, अब समझना होगा। अब जो है अगले मैच के लिए तैयार रहे, अगली मैच जो है लखनऊ की है, लखनऊ को जो है जिताना है भैया, नंबर 1 पे लाना है, और इस वक्त 27 रन पे है। अब इस पे एंड कर रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ भी, धन्यवाद हमारे यूट्यूबर को जो है, हमें कम से कम जो है आपकी 1000 दिखाई दे मुझे।